अभी कुछ देर पहले हमने आपको जम्मू के रेलवे स्टेशन की जो है कंडीशन बताई, कितना साफ सुथरा है, जिसको लेकर तीसरे स्थान पे जो है देश में जम्मू का रेलवे स्टेशन आया, जिसमें पहले नंबर पे अगर बात करें तो विशाखापट्टनम और दूसरे नंबर पे सिकंदराबाद और तीसरे नंबर पे जम्मू का रेलवे स्टेशन। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप लोगों की रोशनी दिलाना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको आज ले चलते हैं जम्मू के बस स्टैंड पे। ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू का बस स्टैंड है। कई बार आप लोग आए होंगे, इस बस स्टैंड की हालत भी देख लीजिए। जहाँ पे एक तरफ जम्मू का रेलवे स्टेशन साफ सफाई में तीसरे नंबर पे है, वहीं जम्मू कश्मीर का जो जम्मू में बस स्टैंड है वो उसकी हालत भी आपके सामने है। रैंकिंग की तो बात ही छोड़िए, स्वच्छता की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन आपके सामने है। ये है जम्मू का बस स्टैंड। अगर आप लोग पठानकोट में भी गए हों, एक छोटा सा कस्बा है पठानकोट, उसका अगर आप बस स्टैंड देखेंगे, इतना साफ़ सुथरा और इतना खूबसूरत बस स्टैंड बनाया हुआ है, लेकिन जम्मू के बस स्टैंड की हालत आपके सामने है। स्वच्छता की तो बात ही छोड़िए, कोई डस्टबिन यहाँ पे नहीं लगा है, बिल्कुल साफ सफाई में जो है बिल्कुल यहाँ पे गंदगी पड़ी होती है। और ये बस स्टैंड है जो जम्मू का है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कंडीशन है बस स्टैंड की, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोनू जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? जम्मू के। जम्मू के ही हो आप, यहाँ बस स्टैंड में काम करते हो, कितनी गंदगी है यहाँ पे? देखा जाए तो जम्मू में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बाहर भी नाले में बहुत ज़्यादा गंदगी है, आसपास भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। बाकी और भी कई बस स्टैंड देखो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है। बाहर के अगर दिल्ली बस स्टैंड जाते हो, कहीं बस स्टैंड जाते हो, पंजाब बस स्टैंड देख लो आप, बहुत सफाई है यहाँ पर, ज़्यादा ही गंदगी है। आप सफाई होना चाहिए। बस स्टैंडों में घूमते होंगे काम के सिलसिले में, तो जम्मू के बस स्टैंड की सिचुएशन कैसी है? देखो यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी टाइप की है कि आप देख सकते हो आपके सामने बस स्टैंड, ये यहाँ पर गंदगी तो खैर है ही है, बाकी इसमें ऐसे है कि यहाँ पर काम वाले बेचारे वही बहुत परेशान है, गंदगी बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, बाकी आप देख सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बस स्टैंड की कुछ और झलकियाँ कि बस स्टैंड की हालत क्या बनी हुई है। जिस तरह से आपने रेलवे स्टेशन में देखा, वहाँ पर साफ सफाई इतनी है, लोग जो है ज़मीन पर भी सो सकते हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन आप देखेंगे तो बिल्कुल बैठने लायक भी नहीं है। अगर कोई इंसान कोई बेचारा यहाँ पर बैठता है तो उसकी हालत क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी गंदगी है। लोग यहाँ फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको बस स्टैंड में भी काम करना पड़ता है, वो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये स्टूल है यहाँ पे, जहाँ पे चेयर्स वगैरह बैठने के लिए रखी जाती है, उसकी हालत देखिए। ये जम्मू का बस स्टैंड है जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, हम उनसे भी बात करें कि कंडीशन क्या है बस स्टैंड की। आइए हम उनको उनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे लोगों की, हमसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अनिल यादव। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी के। यूपी के। आप जम्मू किस तरह से आए हैं? किस तरह से मतलब? किस काम से आए हैं? या वैष्णो देवी आए थे, किस लिए आए? वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी आए, अभी आप जम्मू के बस स्टैंड में हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पे? बहुत गंदगी है, गंदगी बहुत है, साफ सफाई कम है। आपके यूपी के बस स्टैंड की क्या कंडीशन है? उधर भी गंदगी है मगर इतना नहीं है जितना इधर देखने में। बैठने लायक है जम्मू का बस स्टैंड? नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं ये यूपी के रहने वाले, इन्होंने ये बताया कि जम्मू के बस स्टैंड की हालत क्या है। आइए हम आपको और दिखाते हैं आगे कि बस स्टैंड, जम्मू का बस स्टैंड की हालत क्या है। ये देख सकते हैं आप, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे जो बसेस का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो है बैठने के लिए कंडीशन देख लीजिए आप, क्या है, कहाँ पे बैठते हैं और क्या हालत है। आवारा जो है जानवर यहाँ पे जो है घूमते रहते हैं। आइए कुछ लोग हो रहे हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? सर मैं बोल रहा हूँ, राम गोपाल शर्मा। हवलदार साहब, यहाँ पे जम्मू के बस स्टैंड की क्या कंडीशन है, कितनी गंदगी है यहाँ पे? हम कभी कभी आते हैं इधर, कभी कभी नहीं आते, अपनी ड्यूटी पर वहीं रहते हैं, हमको ये पता नहीं, हम फौजी आदमी है। नहीं, आप यहाँ देख रहे हैं ना, सफाई है यहाँ पे जम्मू में रे बस स्टैंड पे? ये हमको नहीं पता, हम आते हैं इधर तो बैठ कर देखते रहते हैं, वो कभी कभी, आज मैं आया हूँ, मैं अपने काम पे गया था, ठीक है, बाकी नहीं हम देखते हैं। आपका क्या नाम है? मोहन इकबाल। कितनी गंदगी है बस स्टैंड में? बहुत गंदगी है यहाँ बस स्टैंड में, यहाँ कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ कुत्ते भी उसी जगह बैठते हैं, इंसान उसी जगह, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं, झाड़ू वाले झाड़ू मार के उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर वही हाल होता जो होता है यहाँ, कोई सफाई इंतजाम नहीं है। आपको नहीं लगता कि जहाँ पे यहाँ बेंच पर बैठो, कल यहाँ एक लेडीज बैठा था बेंच पर, बैठते बैठते वो बेंच ही टूट गया, वो नीचे गिर गया, उसका टांग का जख्म भी आ गया, वो सामने बेंच पर, पीछे बैठ देखो दोनों बेंच टूटा है, कोई इनको नहीं देखते, नट कहाँ है कहाँ है, कोई नहीं देखता इसमें।
बहुत सही चीज़ आपने बताई। ये देखिए बेंच की हालत क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी बैठेगा तो ये बेंच जो है टूट सकता है। ये देखिए नीचे से दिखाया कि क्या बेंच की हालत है। ये आप देख सकते हैं, ये बेंच है बस स्टैंड का, अगर यहाँ पे कोई बैठेगा तो ये जो बेंच है आराम से टूट सकता है। जो हाथ का वेट नहीं सहन कर सकता वो बेंच बैठने पे आराम से टूट जाएगा। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि कल एक बेंच के ऊपर एक महिला बैठी और ये बेंच टूट गया और उस महिला को लग भी गई। यहाँ पर हुआ वो लड़ी से बैठ गया बेंच पर, बेंच बैठते बड़े वो टूट गया बेंच, उसका टांग का जख्म भी आ गया। ये कोई इंतजाम नहीं, कोई हालात नहीं है। पूरा बेंच यहाँ देखो प्लस से लोहा का बेंच वो भी टूटा है, सारा बेंच टूटा है। आइए और दिखाते हैं हम आपको बस स्टैंड की सिचुएशन क्या है। बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है बस स्टैंड में। ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे जहाँ पे रेलवे स्टेशन को तीसरे नंबर पे जो है रैंकिंग में आता है जम्मू का, वहीं जम्मू का जो है बस स्टैंड है उसकी हालत देखिए। यहाँ पे लोग सोए हैं और कितनी गंदगी यहाँ पड़ी है। हालांकि जो विभाग है, जो कंसर्न विभाग है, उनकी ड्यूटी है यहाँ पे साफ़ सफाई करने की, लेकिन जम्मू के बस स्टैंड पे साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी साफ सफाई के लिए यहाँ नहीं आता। कुछ और लोग हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? गौहर अहमद। आप यहाँ पे बस स्टैंड में हैं जम्मू के, कितनी साफ सफाई लग रही है आपको यहाँ? यहाँ बहुत सा गंदा है भाईजान, इधर बहुत सा मुश्किल है, बहुत सा गंदगी है। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? क्योंकि ना कुछ दिन पहले जम्मू के रेलवे स्टेशन को जो है तीसरे नंबर पे जो है रैंकिंग आई है स्वच्छता में, लेकिन जम्मू का ही बस स्टैंड उसकी हालत के बस स्टैंड सबसे गंदा है। ऊपर से नजर मारो, ऊपर देखो, ऊपर देखो आप, यहाँ के थोड़ा ना सफाई है ना कुछ है, कुछ भी यहाँ के लोग भी इनको कुछ नहीं बोलते। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसको साफ सुथरा रखो, साफ सफाई चाहिए और कुछ नहीं मैं कर सकता। ये पैसेंजरों का जगह है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं जिनकी बसेस कुछ लेट भी होती हैं उनको यहाँ पे रुकना पड़ता है। और आप देखिए यहाँ पे हालत क्या है बस स्टैंड की, गनीमत है कि कुछ फैंस चल रहे हैं जो गर्मी के टाइम पे इन लोगों को जो है थोड़ा सा जो है राहत मिलेगी। आइए थोड़ा सा और आपको आगे दिखाते हैं कि क्या हालत है बस स्टैंड की। ये देखिए ये हालत है बस स्टैंड की, ये छत देखिए काफ़ी जो है यहाँ पे गंदगी, और छत से आपको साफ दिख रहा है कि बस स्टैंड में क्या हालत बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं, इसी हालत में बच्चों को सोना पड़ता है क्योंकि बाहर से जब लोग आए होते हैं तो वो यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं और हालत फिर भी ख़राब है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे बस स्टैंड में हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पे? हाँ गंदगी है, बहुत गंदगी है। हाँ। क्या कहोगे आपकी, जैसे आप बच्चे भी सोए हैं इतनी गंदगी में, क्या क्या मतलब? क्या करो, मंडी जाके आया था, बस नहीं मिल रहा, 4 बजे जाना है तो पड़ा है, रोजाना नहीं पड़ता। आप लोगों ने सुना कि 4 बजे तक इनको यहाँ पर रुकना है, बच्चे बेचारे थके हुए हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर रेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इसी गंदगी में यहाँ पे बैठना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि गंदगी का ढेर सामने किस तरह से पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे साफ़ सफाई के बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, और अपने जितने भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगता नहीं है कि यहाँ पर वो साफ़ सफाई करने आते हैं। देख सकते हैं हालत जम्मू बस स्टैंड की क्या है। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं बसेस के, लेकिन गंदगी इतनी है यहाँ पर, लोगों को इसी गंदगी में आना पड़ता है, और यहाँ पर जो है अगर वो रुकना भी पड़े तो इतनी गंदगी में ही उनको रुकना पड़ता है। लोग बेचारे जो यहाँ पे अपनी बसेस का वेट करते हैं उनको यहीं पे रुकना पड़ता है, यहीं पे बैठना पड़ेगा, लेकिन हालत ये है जम्मू को, जम्मू का जो बस स्टैंड है अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गंदगी का ढेर जम्मू के बस स्टैंड में लगा हुआ है। जम्मू के बस स्टैंड से जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो हम आपको दिखाएंगे क्या सिचुएशन है जम्मू के बस स्टैंड के बाहर। जब हम निकलते हैं गंदगी आपके सामने किस तरह से यहाँ पे चलाई जा रही है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये हम आपको ले आए हैं इस टाइम जम्मू के बस स्टैंड के बाहर के इलाके में कि किस तरह से यहाँ पे जो है गंदगी मची हुई है। अभी हमने आपको बस स्टैंड के अंदर का इलाका दिखाया था कि अंदर के एरिया में कितनी गंदगी है। ये बस स्टैंड की बिल्डिंग है जो बाहर से जब कोई यात्री भी आएगा तो उसके ऊपर क्या एक छवि जाती है जम्मू की वो आपके सामने है। गंदगी का ढेर अंदर लगा हुआ है, साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। जहाँ पे कंसर्न अधिकारियों को काम करना चाहिए वो बिल्कुल भी जम्मू के बस स्टैंड पे काम नहीं करते। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू बस स्टैंड में जो यहाँ पे किस तरह से गंद फैलाया जाता है। ये देखिए ये हालत है, आप देख लीजिए यहाँ पे ढाबे भी बने हुए हैं, खाने का
जो है लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो है एक गंदगी यहाँ पे फैलाई जाती है इस गंदे नाले में। ये काफ़ी पुराना नाला है, जबकि सरकार को चाहिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ सफाई का ध्यान रखे, लेकिन बिल्कुल भी जो है सफाई के नाम पे कुछ काम नहीं किया जाता। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें कि बिल्कुल जो है गंदगी काफ़ी सारा आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड का इलाका के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको यही नाला जो है गंदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कितनी गंदगी है ये आपके सामने है। आज हम आपको लेके आए थे जम्मू के बस स्टैंड इलाके में और हमने आपको दिखाया कि जम्मू के बस स्टैंड के इलाके की क्या हालत है। हालांकि कुछ दिन पहले जम्मू के रेलवे स्टेशन को जो है थर्ड रैंकिंग पे है, सफाई का जो है थर्ड रैंकिंग आई है, लेकिन उसी के दूसरी तरफ जम्मू का बस स्टैंड किसी भी जगह पे फॉल ही नहीं करता, क्योंकि गंदगी आपके सामने है। लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि जम्मू बस स्टैंड की क्या हालत है। हम आशा करेंगे कि सरकार कम से कम इस हमारे स्पेशल टेलीकास्ट को देखने के बाद कुछ जम्मू के बस स्टैंड की तरफ भी अपनी निगाहें घुमाए और इस बस स्टैंड की भी कुछ हालत सुधारे, ताकि स्वच्छ भारत अभियान यहाँ भी देखने को मिले। आशीष कोहली, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ, जम्मू के बस स्टैंड से।